उपेंद्र कुशवाहा जी जो कुर्था से कर रहे हैं यात्रा, पहले तो उनको अपने अंदर यह सोचना चाहिए कि हम शहीद जगदेव बाबू के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। नहीं चल रहे क्या वो? नहीं चल रहे हैं। अगर चलने वाले होते तो जहां वो हैं उस गठबंधन को पहले त्याग देते। कुशवाहा वोट बैंक को साध पाएंगे इस बार वो? कहां से, संभव ही नहीं है। अगर होता तो चुनाव जीतते, हार क्यों गए? हारने का मतलब है कि हमारा जन्मधार नहीं है। लोकसभा में क्यों लड़ गए? अगर आपको कुशवाहे को देना था दे देते, या जगदेव बाबू के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो दबे कुचले जो भी पड़ गया है उसको दे देते, तब समझते कि हाँ आप सही रास्ते पर चल रहे। उपेंद्र कुशवाहा जी हो या सम्राट चौधरी हो, सब लोगों का समझ रहे हैं कि जनाधार हमसे अलग हो गया है। समाज के लोग भी, कुशवाहा समाज का, सब लालू जी के साथ आ गया। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों यात्रा पर हैं और यह इस यात्रा की शुरुआत वो शहीद जगदेव प्रसाद की कर्मभूमि जन्मभूमि कुर्था यानी अरवल से इसकी शुरुआत किए हैं और लगातार अपनी पार्टी की मजबूती और NDA को मजबूत करने के लिए वो यात्रा पर निकले हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए RJDC विधायक हैं राजवंशी महतो जी, सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की यात्रा को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले तो आपके लाइव बिहार को आप लोगों को धन्यवाद देते हैं जी कि आप ऐसे मुद्दा को पूछ रहे हैं कि कुशवाहा समाज और ख़ास करके उपेंद्र कुशवाहा जी जो कुर्था से कर रहे हैं यात्रा, पहले तो उनको अपने अंदर यह सोचना चाहिए कि हम शहीद जगदेव बाबू के रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं। नहीं चल रहे क्या वो? नहीं चल रहे हैं। अगर चलने वाले होते तो जहां वो हैं उस गठबंधन को पहले त्याग देते, स्वार्थ छोड़ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आदमी हत्या किया हमारे शहीद जगदेव बाबू को, विरोध किया, जिस मुद्दा को लेकर जगदेव बाबू पूरे बिहार सब जगह गए और बिहार लेलिन कहलाए, और उस आदमी का हत्या हो और हम उसी के साथ रहेंगे तो क्या जगदेव बाबू के शहादत पर अधिक करेंगे या कुर्था जाकर क्या कर सकते हैं? इनको राजनीति करना है अपना करें, लेकिन जगदेव बाबू को जैसे हैं उनको साथ क्यों करते हैं? अरे उनके लिए तो सबसे बढ़िया लालू यादव बिहार में है। लालू जी एक भी मूर्ति नहीं था कहीं, और आपको चौराहा पर मूर्ति लगवा दिए, भव्य मूर्ति, सरकारी कार्यक्रम हो रहा है, और मांग भी किए कि भारत रत्न का उपाधि शहीद जगदेव बाबू को मिलना चाहिए। जो औकात जिस लायक हम हैं वहाँ हम मांग कर रहे हैं। तो हमारे लिए लालू यादव ठीक कि उपेंद्र कुशवाहा? हर बार उपेंद्र कुशवाहा ये जो यात्रा की शुरुआत करते थे, अधिकांश देखा जाता था कि चंपारण से करते थे, गांधी आश्रम हो या कहीं से, वो चंपारण से इसकी शुरुआत करते थे। लेकिन इस बार जो है शहीद जगदीव बाबू की जो जन्मभूमि है, कर्मभूमि, वहाँ से इनकी शुरुआत की। क्या कुशवाहा वोट बैंक को साध पाएंगे इस बार वो? कहाँ से, संभव ही नहीं है। अगर होता तो चुनाव जीतते, हार क्यों गए? हारने का मतलब है कि हमारा जनाधार नहीं है। जनाधार मजबूत करने के लिए तो शुरुआत तो कर रहे हैं, क्या करेंगे वो लोग? अब समाज के लोग भी बुझ गए कि ये अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, समाज के लिए नहीं कर रहे हैं और लोग वर्ग के लोगों के लिए नहीं काम कर रहे हैं। कैसे अपने स्वार्थ के लिए, समाज के लिए क्यों, कैसे नहीं कर रहे? आपसे हम कह रहे हैं कि एक पार्टी आपको 5 गो टिकट मिला समझौता में, दूसरे को क्यों नहीं दिए? 2 गो पर अपने क्यों लड़े? लोकसभा का तो लोकसभा में क्यों लड़ गए? अगर आपको कुशवाहे को देना था दे देते, या जगदेव बाबू के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो दबे कुचले जो भी पड़ गया है
उसको दे देते हैं, तब समझते कि जी कि हाँ आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, और चल नहीं रहे हैं और कहते हैं कि हम जगदेव बाबू जगदेव बाबू, फिर रट लगाने से नहीं होगा। लालू जी सही मायने में बिहार में जगदेव बाबू के रास्ते पर चलने का काम किया। सही, जगदेव प्रसाद की जिस दिन पुण्यतिथि थी आप भी मौजूद थे वहाँ पर, तेजस्वी यादव ने यादव कुशवाहा भाई भाई का नारा भी दिया था, क्या लग रहा है कि इसके बाद जिस प्रकार से उपेंद्र कुशवाहा अब यात्रा पर निकले हैं तो मुकाबला क्या होने वाला है, कितनी चुनौतियाँ होगी? अब देखिए उपेंद्र कुशवाहा जी हों या सम्राट चौधरी हों, सब लोगों का समझ रहे हैं कि जनाधार हमसे अलग हो गया है, समाज के लोग भी, कुशवाहा समाज का सब लालू जी के साथ आ गया। लेकिन नीतीश कुमार उधर बोलते हैं कि लवकुश समीकरण हमारे साथ हैं। देखिए लवकुश कैसे हम समझेंगे, आप अपना स्वार्थ साध लिए, जाइए नागमणि जी से पूछिए, भारत सरकार के जिस समय मंत्री बने नागमणि जी खुद कहे, और वहाँ का प्रधानमंत्री अटल जी के स्टाफ कहा कि आपके समाज को तो बहुत बड़ा विभाग मिला है, नीतीश जी रेल मंत्री हैं, तो कहे कि नहीं हमारे समाज के नहीं हैं, हम दोनों दो आदमी हैं दो समाज के, तो नहीं प्रधानमंत्री तो कन्विंस है अटल जी कि कुशवाहा और ये सब एक हैं, आपको समझाना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को, कन्विंस कीजिए जा करके कि नहीं हम लोग दोनों दो अथी नहीं, तब जा करके समझाए, तब जा करके मंत्री बने। तो मतलब आपके अनुसार से उपेंद्र कुशवाहा को कुछ हाथ नहीं लगेगा यात्रा से? कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा इस बार, तेजस्वी घोषणा कर दिए, कह दिए ना, और जो कहता है वो तेजस्वी करते हैं, ये मानना पड़ेगा आपको, बिहार वासी को हम कहना भी चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि तेजस्वी काम करना चाहते हैं और जो कहते हैं वो करते भी हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आरजेडी से विधायक राजवंशी महतो जी ने साफ साफ कहा है कि तेजस्वी यादव जो कहते हैं वही करते हैं और उपेंद्र कुशवाहा को यात्रा से कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि कुशवाहा समाज जो है वो लालू प्रसाद यादव के साथ है, और लालू प्रसाद यादव हो तेजस्वी यादव हो वो लगातार कहते रहते हैं कि यादव कुशवाहा भाई भाई। सहित जगदेव प्रसाद की पुण्यतिथि में भी उन्होंने यह नारा दिया था और उन्होंने साफ साफ कहा है कि कुशवाहा समाज को उचित मान सम्मान जो है कोई देने का काम करते हैं तो वो आरजेडी है। क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे, आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार, बहुत बहुत धन्यवाद।